प्रतापगढ़ के कुंडा के राजा भैया का भाई गया जी। 10,000 का जुर्माना, 7 साल तक हुई जेल। सवाल, क्या राजा भैया का भाई अब जेल में चलाएगा आटा की चक्की, करेगा काम? क्या आटा चक्की चलाने वाले राजा भैया के भाई को मिलेगा मजदूरी का पैसा? क्या पूरे 7 साल जेल में करेंगे मेहनत मजदूरी और कमाएंगे पैसा? प्रतापगढ़ में कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के भाई एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10,000 रुपए जुर्माना लगाया है। मंगलवार को एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह को फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में कोर्ट ने एक दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट के बाहर पुलिस बल तैनात। प्रतापगढ़ में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुनवाई के लिए एमपी एमएलए कोर्ट बलराम दास की अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान जज ने उनको 7 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। पिछले हफ्ते फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने दोष सिद्ध कर बुधवार को फैसला सुनाने की डेट तय की थी। वहीं आदेश आने के बाद कोर्ट के बाहर गहमा गहमी का माहौल बन गया। इसे भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया। साल 1997 में दर्ज हुआ था केस। आपको बता दें, साल 1997 में फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने का मामला सामने आया था। इस पर तत्कालीन कोतवाल डीपी शुक्ला ने नगर कोतवाली में फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में अक्षय प्रताप पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। पत्नी ने एमएलसी के लिए किया नामांकन। बड़ी बात यह है कि अक्षय प्रताप सिंह की पत्नी मधुरिमा सिंह ने एमएलसी चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन भरा था। निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी की पत्नी मधुरिमा सिंह जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के एन ओझा, रामदयाल वर्मा और राजेंद्र मौर्य ने निर्दलीय और पूर्व विधायक हरी प्रताप सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। सपा प्रत्याशी विजय बहादुर यादव के प्रस्तावक ने सोमवार को एक और सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।